सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और संग में बेल के आइकॉन को भी दबा दें। इस वीडियो में मैं आपको उन 5 स्थानों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको मिथिला की यात्रा के दौरान अवश्य देखना चाहिए। 1. चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा। ये संग्रहालय दरभंगा रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर या पैदल दूरी पर है। आप इस संग्रहालय में मिथिला की प्राचीन मूर्तिकला, धातु की मूर्ति बनाने में उपयोग की जाने वाली विभिन्न कला शैलियों और तकनीकों, विभिन्न सजावटी कला वस्तुओं, सुंदर चित्रों, हथियारों और कवच और वस्त्रों को देख सकते हैं। जब मैंने इस महीने दौरा किया तो प्रवेश निःशुल्क था। दीघा पोखर के कारण परिसर अद्भुत है। मिथिला में एक अवश्य देखने योग्य संग्रहालय। 2. काली मंदिर भौरा मधुबनी। अद्भुत वास्तुकला को समेटे ये काली मंदिर पुलिस लाइन मधुबनी के निकट है। दरभंगा के राजा द्वारा निर्मित मंदिर का परिवेश मनमोहक है। आप मंदिर के अन्य हिस्सों में कई अन्य सुंदर मूर्तियां भी पा सकते हैं। 3. राजनगर खंडहर मधुबनी। परिसर में विभिन्न मंदिर, किलों और महलों के खंडहर हैं। सड़क मार्ग से ये लगभग 12 किलोमीटर है, लेकिन मैं ट्रेन लेने का सुझाव दूंगा। ये सस्ता और किफायती है। आप प्रसिद्ध नौलखा महल के खंडहर देख सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजनगर की यात्रा के दौरान आप अपनी यात्रा का आनंद लेंगे। ये स्थान नौलखा महल दरभंगा के महाराजा के प्रसिद्ध महलों में से एक के खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है, जो 1934 में आए भूकंप में नष्ट हो गया था। 4. विक्रमशिला विश्वविद्यालय खंडहर भागलपुर। भागलपुर बिहार के सबसे पुराने जिलों में से एक है, जो राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक समय सर्वोत्तम रेशम उत्पादक भारतीय शहरों में से एक था और आज भी इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब नालंदा विश्वविद्यालय किसी तरह अपनी चमक खोने लगा,
तो राजा धर्मपाल ने बौद्ध दर्शन और धर्म के अभ्यास और शिक्षण के लिए एक और स्थल स्थापित किया था। इससे विक्रमशिला के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में एक महान विश्वविद्यालय होने के साथ साथ प्रार्थना के लिए एक बौद्ध स्तूप भी था। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और निकटतम रेलवे स्टेशन कहलगांव है। विक्रमशिला देखने के लिए आपको भागलपुर से एक कार किराए पर लेनी होगी। नालंदा की तरह यह महान विश्वविद्यालय भी 1200 ईस्वी के दौरान बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमण के सामने गिर गया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा सहित विक्रमशिला का पूर्ण विनाश सुनिश्चित किया। पांच, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा। 7,019.75 एकड़ में फैला कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कुशेश्वर स्थान ब्लॉक में स्थित 14 जल जमाव वाले गांवों का एकीकरण है, जो दरभंगा क्षेत्र के बिरौल उपमंडल के अंतर्गत आता है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा शहर से लगभग 45 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कोई भी व्यक्ति बसों की स्थानीय परिवहन सेवा का लाभ उठा सकता है या दरभंगा से टैक्सी किराए पर ले सकता है या इस प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य की यात्रा के लिए सड़क मार्ग से कार भी ले सकता है। इस अभयारण्य में पक्षियों की कई प्रजातियां मिल सकती हैं और इस क्षेत्र के कुछ स्थानीय पक्षी मिल लालश, दिघौच, नकटा, अधानी, चाहा, सिल्ली, हरियल, करण, गेबर, सफेद और काला और रतवा हैं जो पाए जा सकते हैं। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य में क्षेत्र के स्थानीय पक्षियों के अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी नवंबर से मार्च के दौरान सर्दियों के मौसम में रहने के लिए विंड गेस्ट के रूप में यहां आते हैं।